हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक एंटरप्राइजेस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस के मीनिंग, पब्लिक एंटरप्राइजेस के फीचर्स और पब्लिक एंटरप्राइजेस की फॉर्म्स के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस के मीनिंग के बारे में। पब्लिक एंटरप्राइजेस मीन्स दोज एंटरप्राइजेस विच आर एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हुज ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर ऑल्सो इन दी हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी वे एंटरप्राइजेज जिनको गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है और जिसकी ओनरशिप और मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथों में होती है, उन्हीं एंटरप्राइजेज को हम पब्लिक एंटरप्राइजेज कहते हैं। पब्लिक एंटरप्राइजेज को हम स्टेट एंटरप्राइजेज, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जैसे नामों से भी जानते हैं। पब्लिक एंटरप्राइजेस के बारे में एक और बात जानना बहुत जरूरी है कि सभी गवर्नमेंट कंसर्न्स गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस नहीं है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट कंसर्न्स तो हैं, बट ये गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस नहीं है। केवल वे गवर्नमेंट कंसर्न्स जो किसी तरह की इकोनॉमिक या बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, उन्हें ही हम गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है नेशनलाइज्ड बैंक। अगर हम इन बैंकों के साइन बोर्ड्स को अगर ध्यान से देखें तो इनमें हम लिखा हुआ पाएंगे अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, जो ये साफ दर्शाता है कि ये बैंक्स पब्लिक एंटरप्राइजेस या गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हैं। पब्लिक एंटरप्राइजेस के मीनिंग के बाद अब हम बात करेंगे पब्लिक एंटरप्राइजेस के फीचर्स की। पब्लिक एंटरप्राइजेस का सबसे मेन फीचर है गवर्नमेंट ओनरशिप। पब्लिक एंटरप्राइजेस में गवर्नमेंट के पास एंटायर या फिर मैक्सिमम ओनरशिप होती है। मैक्सिमम का यहाँ पे मतलब है मोर देन 51%। यानी पब्लिक एंटरप्राइजेस में गवर्नमेंट का शेयर 51% या उससे अधिक होना चाहिए। गवर्नमेंट ओनरशिप के बाद नेक्स्ट फीचर है फाइनेंशियल फ्रीडम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है और जहां तक फाइनेंशियल नीड्स की बात है तो इन सभी को गवर्नमेंट के द्वारा ही पूरा किया जाता है। और प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट की लिबरल पॉलिसीज की वजह से पब्लिक एंटरप्राइजेस जनरल पब्लिक से भी लोन या फिर कैपिटल के रूप में फाइनेंस ले सकती है, जिसकी वजह से पब्लिक एंटरप्राइजेस के पास पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। नेक्स्ट फीचर है सर्विस मोटिव। जहां प्राइवेट एंटरप्राइजेस इसलिए एस्टेब्लिश की जाती हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, वहीं दूसरी ओर पब्लिक एंटरप्राइजेस को इसलिए एस्टेब्लिश किया जाता है ताकि वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सके। पब्लिक एंटरप्राइजेस का नेक्स्ट फीचर है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। जहां प्राइवेट एंटरप्राइजेस केवल अपने मालिकों के प्रति ही अकाउंटेबल होते हैं, वहीं पब्लिक एंटरप्राइजेस जनरल पब्लिक के लिए भी अकाउंटेबल होती है, क्योंकि जनरल पब्लिक द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में पब्लिक एंटरप्राइजेस के सक्सेस और फेलियर पे सवाल कर सकते हैं। पब्लिक एंटरप्राइजेस का नेक्स्ट फीचर है ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि पब्लिक एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है, इसीलिए इसके मैनेजमेंट को गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ये ऑफिसर्स पब्लिक एंटरप्राइजेस के मैनेजमेंट को गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ऑपरेट करते हैं, और इन्हीं रूल्स और रेगुलेशन की वजह से पब्लिक एंटरप्राइजेस में लिए गए फैसले काफी इनफ्लेक्सिबल होते हैं। यहाँ तक कि पब्लिक एंटरप्राइजेस में एक छोटे से छोटा फैसला लेने का भी एक काफी लंबा प्रोसेस होता है। पब्लिक एंटरप्राइजेस का नेक्स्ट फीचर है मोनोपोली। कुछ ऐसी एंटरप्राइजेस होती हैं जिनको इस्टेब्लिश करने का राइट केवल और केवल गवर्नमेंट के पास होता है, और गवर्नमेंट ही इन एंटरप्राइजेस को एस्टेब्लिश कर सकती है, या फिर ऐसी एंटरप्राइजेस जहां प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता और किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, बट ये एंटरप्राइजेस सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए काफी
इम्पोर्टेंट होती हैं। पब्लिक एंटरप्राइजेस की मोनोपोली का सबसे बेस्ट एग्जांपल है रेलवे। पब्लिक एंटरप्राइजेस के फीचर्स के बाद अब हम बात करेंगे पब्लिक एंटरप्राइजेस की फॉर्म्स के बारे में, यानी पब्लिक एंटरप्राइजेस कितने टाइप्स की हो सकती हैं। पब्लिक एंटरप्राइजेस 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड पब्लिक कॉरपोरेशन एंड थर्ड गवर्नमेंट कंपनी। पब्लिक एंटरप्राइजेस की इन तीनों फॉर्म्स के बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।